शुरू शुरू में तो थोड़ी डांट पड़ती थी, लेकिन बाद में फिर ऐसा होगा कि खेल रहा है तो खेल ले, जो तेरा मन कर रहा है कर। यहाँ से अब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप है वो खेलना है, पहले उसमें लिए सिलेक्ट होना है, उसके बाद प्रो कबड्डी, फिर इंडिया खेलनी है। बैक होल्ड में तो बस ध्यान रखना होता है कि कब अंदर आए, और डबल थाई होल्ड जब हमारी रेंज में आता है तो हमें डबल थाई होल्ड करना चाहिए। हम 2-3 घंटे सुबह प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे डाइट, अकेडमी में रहता हूँ मैं। सर ऐसे है, अभी मेरी एज नहीं इसमें खेलने की, अदरवाइज मैं भी खेलता, लेकिन जो लड़के हैं मेरे साथ हैं ये सभी मेरे जूनियर है। अब कबड्डी का खेल हो और स्पोर्ट्स क्रेज उसको कवर ना करे ये तो हो नहीं सकता, तो हम चले आए रांची और MS धोनी की इस नगरी में, हम यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आज बात क्रिकेट की नहीं होगी, आज बात होगी कबड्डी की। कबड्डी को कवरेज हम करने वाले हैं, मैं हूँ आपका होस्ट अंकित चौबे, मेरे साथ मौजूद हैं इस टूर्नामेंट के टॉप रेडर्स, यानी कि एक ऐसे पॉइंट का फासला इन्होंने कर दिया है, इस वक्त इनके जो पॉइंट्स हैं वो 327 पॉइंट्स है और इनकी टीम खेल रही है फाइनल में हम्पी हीरोज। मेरे साथ मौजूद है विशाल चहल, थैंक यू सो मच भाई इंटरव्यू देने के लिए, और बहुत मज़ा आएगा आपसे बात करके। पहले तो बताओ भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा इस टूर्नामेंट में खेलने का? टूर्नामेंट में खेलने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, नए प्लेयर के साथ अच्छे दोस्त भी मिले, अच्छे कोचेज मिले, यहाँ खेलने का बहुत मजा आ रहा है। अच्छा आपने ये बताओ कि कबड्डी का खेल जब तुमने शुरू किया कैसे, तुमने गाँव में बहुत सारे खेल होते हैं तो कबड्डी का खेल तुमने क्यों पिक किया उसमें से? कबड्डी का खेल प्रो कबड्डी आई थी जब सीजन आए थे पहला, उसको देखकर शुरू किया, नहीं तो गांव में पहले जो खेल थे कुश्ती व क्रिकेट व वॉलीबॉल जो खेलने को मिलता था खेल लेते, खेलना बहुत अच्छा लगता था, पढ़ाई में तो ऐसे थे, इसलिए कबड्डी आया, थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, बच्चे खेलने लगे, इसलिए हम भी धीरे धीरे। पढ़ती थी घर पे कि यार पढ़ाई वढ़ाई करो, क्या खेल रहे हो ऐसा कुछ था या घर वाले कहते थे नहीं कबड्डी खेलो? शुरू शुरू में तो थोड़ी डांट पड़ती थी, लेकिन बाद में फिर ऐसा होगा कि खेल रहा है तो खेल ले, जो तेरा मन कर रहा है कर। अच्छा ये बताओ भाई तुम कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो, अपनी तैयारी कैसे करते हो, ये टूर्नामेंट की बात नहीं करते, ऐसे डेली तुम कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? सुबह शाम 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे शाम को रोज प्रैक्टिस। अच्छा और खाना पीना क्या खाते हो, क्या डाइट लेते हो? डाइट बनी हुई है या खुद से? खुद ही है, नॉर्मल डाइट होती है जो घी दूध हो गया वैसे ही। थोड़ा अपने कोच के बारे में बताओ, जो आपके कोच रहे जिन्होंने आपको सिखाया, थोड़ा बताओ उनके बारे में। कोच गांव में खेलता, कोच तो थे नहीं गांव। अच्छा। में सीनियर खिलाड़ी था शुरू में, सुनील कुमार जो प्रो में थे वो आ जाते थे, फिर वो प्रो में चले जाते तो बड़ा भाई वो सीनियर था, उसने ही प्रैक्टिस करवाई ज़्यादातर उसी के, वो रोज सुबह शाम हमारी प्रैक्टिस करता भी करता था, वो साथ में खेलता था। और अब तुमसे थोड़ा सा मैं रैपिड फायर पूछूंगा लास्ट में जाते जाते, बॉलीवुड या साउथ मूवीज? बॉलीवुड। बॉलीवुड। अच्छा चाय पसंद है या कॉफी पसंद है? कोई भी पसंद नहीं है। हार्ड वर्क पसंद है या स्मार्ट वर्क पसंद है? हार्ड वर्क। लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, क्रिकेट कबड्डी मैं चूज लूंगा नहीं अब क्योंकि कबड्डी पे हम बात करें, क्रिकेट या फिर फुटबॉल क्या पसंद है? क्रिकेट। आखिरी मैसेज क्या दोगे अपने फैंस को, आगे कैसे खेलोगे, जो तुम्हारे फैंस अभी धीरे धीरे बनेंगे, अभी तो तुम्हारा शुरुआत है, जो तुम्हारे फैंस होंगे उनको क्या मैसेज दोगे? मैसेज देंगे अच्छा खेलेंगे, सभी की उम्मीदों पर खरा होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के टूर्नामेंट के बारे में, युवा कबड्डी सीरीज, जिसके एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे जो आने वाले वक्त में स्टार बन सकते हैं और टॉप डिफेंडर है इस टूर्नामेंट के, राहुल एरी मेरे साथ मौजूद है, कजरिंगा राइनोज इनकी टीम है और बड़ा कमाल का प्रदर्शन किया है इन्होंने, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को आउट किया इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, तो उनसे बात करेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मल सी डिस्कशन है। तो राहुल भाई धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए, तो पहले तो आप अपने बारे में बताइए, कबड्डी का खेल पहले अपने गांव के बारे में बताइए कि उस गांव में कैसा माहौल है कबड्डी का? मेरा गांव का नाम हैरी है, हमारे गांव में कबड्डी का बहुत पिछले सालों से क्रेज है, कबड्डी का हमारे गांव में कबड्डी खेली जाती है। और कितने लोग हैं, मतलब और कौन कौन से खेल खेले जाते हैं आपके गांव में? रेसलिंग खेलते हैं और कबड्डी। तो आपने कबड्डी क्यों चूज़ करी, मतलब कोई रीज़न था कि कबड्डी ही खेलना है या किसी को देख के आपने शुरू किया या आपको अच्छा लगा कबड्डी का खेल? कबड्डी हमारे गांव में पिछले लगातार कई सालों से खेली जा रही है और जो सुरेंद्र नाड़ा है जो जी हमारे सीनियर हैं हमारे ग्राउंड से हैं उन्हें देख के खेलना शुरू किया था। अच्छा कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो भाई हर रोज? पूरे दिन में 5-5.5 घंटे प्रैक्टिस। 5-5.5 घंटे टोटल। और डाइट क्या है तुम्हारी, खाना पीना क्या है तुम्हारा? खाना पीना तो भाई दूध दही चने प्रोटीन शेक घी वाला। जो टूर्नामेंट तुम खेले हो अभी यहाँ पे कैसा तुम्हारा अनुभव रहा यहाँ पर खेलने का? यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला इस टूर्नामेंट से, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए जो यंग बच्चे हैं और यहाँ से जो प्रो कबड्डी है जो PKL का प्लेटफॉर्म है आसानी से वहाँ सेलेक्ट हो सकते हैं बच्चे। उसी पे आ रहा था, तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है प्रो कबड्डी?
हरियाणा स्टीलर। अच्छा क्यों, मतलब हरियाणा से इस वजह से या मतलब कोई प्लेयर फेवरेट है वहाँ पे? इसमें यंग बच्चे हैं सारे। अच्छा बताओ कि तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है, प्रो कबड्डी लीग की बात भी कर लेते हैं, ऐसे भी तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन रहा शुरू से? जोगिंदर नरवाल। क्या पसंद है उनके बारे में, क्या उनका गेम में क्या पसंद है तुम्हें? उनके पास सारी स्किल हैं, उनकी जो बैक होल्ड है वो पसंद है मुझे। आगे का क्या प्लान है तुम्हारा, मतलब क्या करने का मन है आगे? यहाँ से अब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप है वो खेलना है, पहले उसमें लिस्ट सेलेक्ट होना है, उसके बाद प्रो कबड्डी, फिर इंडिया खेलनी है। इंडिया खेलना, बिल्कुल आप खेलोगे भाई। अब थोड़ा सा ना एक रैपिड फायर खेल लेते, छोटे छोटे क्वेश्चन से एक आंसर पिक कर लेना दोनों में से, ठीक है? पंजाबी मूवी या साउथ की मूवी? पंजाबी मूवी। क्या पसंद है पंजाबी मूवी? बस दोनों की स्टोरी है वो अच्छी होती है, जो एंडिंग होती है वो पूरी अच्छी। फेवरेट पंजाबी एक्टर है? आमिर विर्क। आमिर विर्क भाई, वो तो भाई बहुतों का फेवरेट है। अब ये बताओ कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क क्या पसंद है, मतलब ज़्यादा मेहनत पसंद है आपको या कम मेहनत पसंद है? मेहनत ज़्यादा पसंद है लेकिन स्मार्ट वर्क तरीके से। चाय या कॉफ़ी? भाई इंडिया में बहुत लोग चाय और कॉफ़ी के बड़े दीवाने होते हैं, आपको क्या पसंद है? तो कोई भी पसंद नहीं है, चाय भी नहीं कॉफ़ी भी नहीं। अच्छा अब लास्ट ये बता दो, वेब सीरीज़ पसंद है या मूवीज़ पसंद है, क्या देखते हो ज़्यादा? मैं तो मूवी देखूँगा, बाकी कुछ नहीं देखता। अच्छा आखिरी मैसेज दे दो अपने फैंस के लिए, अभी तुम तो खेल रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारे फैंस बनेंगे, कैमरा सामने है, कोई मैसेज दे दो फैंस को। भाई सारे भाई थैंक यू, जो कबड्डी खेलना चाहो अच्छे से मेहनत करो। मेरे साथ मौजूद है टॉप डिफेंडर्स की जो सूची आती है उस पर सेकंड नंबर पर काबिज योगेश दहिया, जो कि कजरंगा राइनोस की तरफ से खेलते हैं और कमाल का प्रदर्शन किया इस टूर्नामेंट में। उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो धन्यवाद योगेश भाई अपना वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताओ भाई, अपने गाँव के बारे में बताओ, गाँव के बारे में क्या, कैसे कबड्डी का खेल कैसा वहाँ पर है, या अपने गाँव से जुड़ी कुछ कुछ बातें हमसे शेयर करो यहाँ पर। मेरा गाँव पहलाजपुर की डोली है, सोनीपत का एक छोटा सा गाँव है ये, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा तो ये बताओ भाई, बहुत सारे खेल होते हैं ना तुम्हारे गांव में, हरियाणा में बहुत सारे खेल है, जैसे बॉक्सिंग है, कुश्ती हो गई, तुम्हारे कबड्डी हो गया, कबड्डी का ही क्यों चूज़ किया तुमने, उनमें से कबड्डी का चुनाव क्यों किया तुमने? हमारे गांव में हमसे जो सीनियर है वो खेलते थे, हमको बहुत अच्छा लगता था वो खेलते थे, तो उनको देख के मन किया कबड्डी खेलना। हमारे गाँव से कोई है जो प्रो कबड्डी लीग खेल गया अभी तक? नहीं अभी नहीं खेला। कोई फेवरेट प्लेयर है प्रो कबड्डी लीग का? हाँ रविंदर पहल। उनका उनका क्या, उनकी क्या बात अच्छी लगती है, क्या गेम में उनके क्या पसंद है? उनकी डबल थाई होल्ड बहुत अच्छी लगती है और डाइव। अच्छा अब ये बताओ कि डिफेंडर तुम क्यों बने? कई लोग रेडर बनना चाहते हैं, डिफेंडर नहीं बनना चाहते, या कई लोग डिफेंडर बन जाते हैं, रेडर नहीं बनना चाहते, ऑलराउंडर बन जाते हैं, तुमने डिफेंडर बनने का क्यों सोचा? ये किसी ने बताया तुमको या ना तुमने खुद फैसला किया कि मुझे डिफेंडर बनना? नहीं मुझे पसंद था कि डिफेंडर बनूँ मैं। अच्छा डिफेंडर में तुम्हारा फेवरेट मूव क्या है एज अ डिफेंडर? बहुत सारे मूव होते हैं जो आपके फेवरेट होते हैं, तुम्हारा फेवरेट मूव कौन सा है? डबल थाई होल्ड और बैक होल्ड। अच्छा उसमें क्या स्किल चाहिए होती है अगर बताओ हमारे फैंस को थोड़ा सा, अगर बेसिक समझा दो तो। बैक होल्ड में तो बस ध्यान रखना होता है कि कब अंदर आए, और डबल थाई होल्ड तब हमारी रेंज में आता है तो हमें डबल थाई होल्ड करना चाहिए। अच्छा इस टूर्नामेंट में जो तुम खेले हो इसके बारे में बताओ थोड़ा, कैसा अनुभव रहा तुम्हारा? इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत एक्सपीरियंस मिला इसमें खेलने के बाद, और ये अच्छी स्टेज है बच्चों को कामयाब होने की। आगे का क्या प्लान है, क्या क्या सोचा आगे आगे के बारे में? अब जाने के बाद जूनियर का कैंप है तो जूनियर नेशनल में ट्राई करेंगे खेलना है, और उसके बाद अगले साल प्रो में, और फिर एक दिन एशिया खेल। पीकेएल की कोई फेवरेट टीम है तुम्हारी? हाँ दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली, और प्लेयर तो तुमने बता ही दिया कि फेवरेट प्लेयर क्या है तुम्हारा। अच्छा तुम्हारे फैंस तुम्हारी बनेंगे अभी धीरे, अभी तो तुमने शुरुआत करी है, बनेंगे बिल्कुल बनेंगे, तुम बड़े कमाल के प्लेयर हो भाई। क्या मैसेज दोगे अपने फैंस को कैमरा सामने, कैमरा में देख के? कुछ नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के फैंस के लिए ये बोलना चाहूँगा कि अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही प्यार करते रहे। बिल्कुल ऐसे ही प्यार करते रहे भाई को। और भाई ये बताओ कुछ थोड़ा सा रैपिड फायर खेल लेते हैं आपके साथ, इस वक्त ना बड़ा बहस चल रही है बॉलीवुड साउथ, कौन सी मूवी पसंद है ज़्यादा दोनों में से? बॉलीवुड। बॉलीवुड पसंद है। अच्छा आप ये टी और कॉफ़ी, चाय पसंद है कॉफ़ी पसंद है? कॉफ़ी कभी कभी। कॉफ़ी पसंद है। अच्छा हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ठीक है। अब ये बताओ कि क्रिकेट और फुटबॉल में क्या पसंद है, कबड्डी में रख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्रिकेट। अच्छा चेस या कैरम में क्या पसंद है? कैरम। कैरम। नितिन भाई पहले तो आप ये बताओ मुझे, कबड्डी का खेल ये कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे ये खेल खेलना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ से आते हैं जैसे आप बता रहे थे मुझे ऑफ द कैमरा कि बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, तो कबड्डी आपने क्यों चूज़ करी? मैंने कबड्डी टीवी में देखा था खेलते हुए पहला प्रो कबड्डी स्टार्ट, फिर मैंने सोचा मैं भी खेलूँ, मैं भी कुछ मेरा भी नाम होगा, मुझे भी लोग जानेंगे, इसीलिए मैंने सोचा मैं कबड्डी खेलूँ। बिल्कुल। और ये बताओ कि जब पहला जो प्राइज़ जीता था कबड्डी में, याद है कि पहली बार कब मेडल जीत के आया या प्राइज़ जीत के आया, कौन से साल में जीता था, कहाँ पर जीता था? पहली बार शायद 2018 में लोकल टूर्नामेंट थी सिरसा, वहाँ पे पोजीशन जीते थे। अच्छा अच्छा फेवरेट प्लेयर कौन सा है प्रो कबड्डी लीग की बात कर ले हैं, या कोई ऐसा प्लेयर जो फेवरेट हो आपका कबड्डी में? फेवरेट प्लेयर प्रदीप नरवाल है मेरा। क्या पसंद है प्रदीप नरवाल के गेम में आपको?
उसकी सारी स्किल अच्छी है, डुबकी सबसे बेस्ट है उसकी, वो अच्छा। बहुत अच्छी लगती है। आप भी डुबकी प्रैक्टिस करते हो, आप कोशिश करते हो डुबकी करने की? कोशिश करता हूँ मैं, डुबकी की प्रैक्टिस करता हूँ। कोई फेवरेट टीम है प्रो कबड्डी लीग की, किसी को फॉलो करते हो शुरू से? टीम फेवरेट तेलुगु टाइटन्स है। तेलुगु टाइटन्स। अब थोड़ा सा भाई ये बताओ कि जो जो कबड्डी का खेल है, कैसे आप कितनी ट्रेनिंग करते हो, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो हर रोज़, क्या डाइट है आपकी ये बताओ हमारे व्यूवर्स को। भाई हम सुबह हम 2-3 घंटे सुबह प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे डाइट। अकेडमी में रहता हूँ मैं, नरवाल स्पोर्ट्स अकेडमी में, तो फिर दिन में रेस्ट होता है पूरा दिन, फिर शाम को 2-3 घंटे शाम को फिर प्रैक्टिस होती है, ग्राउंड प्रैक्टिस और अपनी प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा खुद करनी पड़ती है अपनी। थोड़ा सा ना रैपिड फायर खेल लेते हैं छोटा छोटा, दो में से एक ऑप्शन चूज करना है बस। बॉलीवुड और साउथ का बड़ा इस वक्त कंपटीशन चल रहा है, कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद है, हिंदी मूवी ज़्यादा पसंद है या साउथ की मूवी ज़्यादा पसंद है? साउथ की मूवी। क्या कोई रीज़न है स्पेसिफिक? नवे थ्रिलर्स ज़्यादा बना अच्छा, इसलिए। अच्छा, अब ये बताओ कि चाय पसंद है कि कॉफ़ी पसंद है? कॉफ़ी। कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। क्रिकेट या फुटबॉल, मैं कबड्डी नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसमें क्या पसंद है, एक कोई एक अगर पिक करना हो तो? इसमें क्रिकेट। अच्छा, चेस या कैरम, बचपन में बड़े खेलते हैं, चेस भी खेलता है कोई, कैरम खेलता है कोई, ऐसा स्पोर्ट इन दोनों में से जो फेवरेट हो, चेस और कैरम? चेस। अच्छा, आखिरी सवाल, हार्ड वर्क ज़्यादा सही लगता है या स्मार्ट वर्क सही लगता है आपके हिसाब से, क्या करना चाहिए एक प्लेयर को, क्या पिक करना चाहिए? हार्ड वर्क जरूरी है ज़्यादा पहले। अच्छा, आप अपने फैंस को क्या मैसेज देंगे आगे के लिए, जो आपकी जर्नी है क्या मैसेज देंगे जो आपको, क्योंकि आपके फैंस बने हैं यहाँ पर और आगे भी बनेंगे जिस तरह से आप परफॉर्म करेंगे, तो मैसेज कैमरा आपके सामने, क्या मैसेज देंगे आप फैंस को? मैसेज यही है, खेलने वाले अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखें, वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी अच्छा। आपका फेवरेट मूव है कोई, रेड में भी कोई फेवरेट मूव है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, हर गेम में आप उसको ट्राई करते हो? रेड में मेरा फेवरेट मूव तो बोनस और एंड टच है। अच्छा, और उसकी प्रैक्टिस के लिए क्या करते हो, अलग से उसकी प्रैक्टिस करते हो? उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है एक्स्ट्रा, अपनी खुद करनी पड़ती है, कोच बता देता है लेकिन बाद में करनी पड़ती है वो। अच्छा, टीम मुरथल मैग्नेट्स खेलने वाली है, मेरे साथ मौजूद है उस टीम के कोच जिन्होंने एक कमाल का प्रदर्शन निकलवाया अपने खिलाड़ियों से, नाम है अनिल धुल सर, थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए, और मज़ा आएगा सर आपसे बात करके। पहले तो सर आप बताइए, कोचिंग वोचिंग पे तो हम बाद में आएंगे, पहले ये बताइए कि खिलाड़ी जब आप थे, पहले तो कबड्डी का खेल क्यों चूज़ किया आप? सर ऐसे है, जो मेरे बड़े भाई हैं, वैसे मैं अभी भी खेलता हूँ लेकिन जो मेरे बड़े भाई हैं वो खेलने जाते थे, अगर रियली बताएं तो वहाँ फल फ्रूट लग रहे थे वही खाने जाते थे शुरुआत में, तो बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट हुआ तो कंटिन्यूटी बढ़ गई। कुल सर, अब ये बताइए सर, कोचिंग में कैसे आया आप, कोचिंग का कैसे सोचा आपने, पहला आपका टूर्नामेंट है बतौर कोच या पहले भी आप थे? अच्छा, तो कैसे कोचिंग का कब सोचा आपने, मुझे कोच बनना है? सर ऐसे है, अभी मेरी एज नहीं इसमें खेलने की, अदरवाइज मैं भी खेलता, लेकिन जो लड़के हैं मेरे साथ हैं ये सभी मेरे जूनियर है और मैं सीनियर हूँ, तो जो कोच हैं हमारे गाँव में वो आ नहीं सकते, तो मैं इनके साथ आया, मेरा काम है इनको समझाना अच्छे से खिलाना। तो आप डांटते वाटते हो सर या मतलब ऐसे नॉर्मल रखते हो, दोस्तों की तरह बात करते हो? सर ऐसे है, डांटना जरूरी है, अगर गलती करेगा तो डांटना पड़ेगा, अदरवाइज समझाने से काम चला देते हैं। आपकी कौन सी फेवरेट टीम है प्रो कबड्डी लीग में? सर मेरी दबंग दिल्ली है। दबंग दिल्ली। कोई फेवरेट प्लेयर है आपका? नवीन। नवीन, ओके। क्या पसंद है सर उसके गेम में, क्या पसंद है आपको? सर मतलब उसकी स्मार्ट वर्क है, ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट वर्क है उसमें, वो अगर खेलता है तो देख लेता है कि कौन क्या अटैक कर रहे हैं। अच्छा। तो उसके एंटी बिल्कुल अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं। थोड़ा सा ही बताइए इस टीम के बारे में कि कैसे आपने इस टीम को हैंडल किया, इसमें अच्छे खिलाड़ी कौन कौन से आपको लगे जो आगे जाके और अच्छा कर सकते हैं, ऐसे तो पूरी टीम ही अच्छी होगी आपकी, बट कुछ स्पेशल टैलेंट होगा ना? सर ऐसे है, लड़के सभी के सभी अच्छे हैं, ज़्यादातर लड़के अपने ग्राउंड से हैं, एक दो लड़का बाहर का भी है, तो कंटिन्यू उनके साथ टूर्नामेंट तो खेलते ही हैं, देख लेते हैं भाई कौन कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसी के हिसाब से सिलेक्शन की गई है। और ये जो इसके टीम के फैंस बन गए होंगे धीरे धीरे, अभी तो वक्त लगेगा, लेकिन जितने भी फैंस बन गए उनको क्या मैसेज देंगे आप कैमरे? सर मैसेज तो यही देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि आपकी सपोर्ट के कारण हमारी टीम फाइनल पहुंचे और फाइनल जीते। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, मज़ा आया बात करके। तो ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिकॉज हम पूरी मेहनत कर रहे हैं सारे इंडियन स्पोर्ट्स को कवर करने के लिए, एंड वी जस्ट नीड योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।